जी किरण, स्वागत है आपका। बताइए सबसे पहले आज का इस वक्त का ट्रेड कौन सा है? प्रदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। शैल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न पैन आउट कर रहा है बायोकॉन का, बहुत अच्छी तरीके से गिरावट हो चुकी है, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है, तो इधर खरीदारी की राय होगी क्योंकि इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि इधर बाय करने की सलाह है। 229 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 238 का पहला टारगेट, 243 के टारगेट्स आपको एक से दो दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। तो बायोकॉन एक बेहतरीन विकल्प रहेगा जहां पे बहुत बड़ी गिरावट देखने के बाद पहली बार हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। जी किरण जी, आप बहुत जबरदस्त तरीके से निफ्टी को ट्रेड करते हैं। आज मंथ क्लोजर भी है लेकिन सितंबर का पहला एक्सपायरी का दिन है। अगर आप मंथली कैंडल देखें तो लगभग 1000 पॉइंट हमने निफ्टी में चटकाए हैं पिछले 3 महीनों में, जहां लाल निशान रहे हर मंथ। किस हिसाब से आपको लगता है सितंबर में कुछ आपको फेर बदल होती हुई दिखती है? हालांकि अगर आप पिछले 5 सितंबर देखें तो निशान लाल ही रहा है निफ्टी पर खासकर। देखिए शैल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले सत्र में आज एक अच्छा क्रैक देखने को मिला और अभी यूटर्न ले रहा है, तो मेरा मानना है कि ये पहला संकेत है कि ये एक अच्छा सस्टेन मूव देखने को मिल जाना चाहिए। पर मैं एग्रेसिवली बुलिश सिर्फ 11,150 के ऊपर ही रहूंगा। ये लेवल जब क्रॉस करेगा तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेंट चार्ट पे देखने को मिलेगा, जहां से एक काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए जो कि 11,500 के ऊपर के लेवल्स टेस्ट करती नजर आएगी। तो मेरा यही मानना है कि हमने शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुके हैं 10,700-10,800 में। मुझे नहीं लगता वो वापस एक बार रीटेस्ट हो जाएगा, पर कंफर्मेशन 11,150 के ऊपर ही आ जाएगा। किरण, आप क्या चुन रहे हैं? नहीं, यही काउंटर्स रहेंगे जहां पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। ओरिएंटल बैंक में अभी एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्पर्ट आ चुका है और इसके चलते मुझे लगता है ओरिएंटल बैंक ही अच्छा रहेगा। 69 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 76 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। किरण जी, आप कुछ अपनी राय व्यक्त करना चाहेंगे इस सेक्टर पे या इस सेगमेंट में? नहीं, इस सेगमेंट में अभी मैंने राय रखी, पर अभी एक नया फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो। जी हां, फरमाइए। टाटा केमिकल, मुझे लगता है इधर से बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। तो टाटा केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है, हाई कन्विक्शन कॉल है। इसने एक बहुत मेजर लेवल जो कि 575 ये तोड़ दिया है और अभी 280-250 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से टारगेट 590 के पहले और 594 के दूसरे टारगेट्स दोनों ही आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके का डेरिवेटिव डेटा है वो मुझे ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। टाटा केम में ऐसा कभी नहीं होता, टाटा केम में 9% के ओपन इंटरेस्ट पहले ही दिन देखने को मिले, तो ये एक रेयर फिनोमिनन है। और जिस तरीके से एक अच्छा बेस बिल्डिंग करके ये स्टॉक चला है, मेरा मानना है इधर से बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, 590 और 594 के टारगेट्स, और इस ट्रेड के लिए 577 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक स्टॉक पर नजर डालिए, पिछले एक हफ्ते से बहुत जबरदस्त तेजी, और ये है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिलहाल दिन के बिल्कुल उच्चतम स्तर पर चलता हुआ 975.95 रुपए पे, इसमें रैली बिल्कुल नहीं रुक रही। ये हेमंत जी ने लगभग आपको मेरे ख्याल से 850 रुपए के आसपास से चेताना शुरू किया है, और ये देखिए आज लगातार 7वें दिन इसमें तेजी देखने को मिल रही है। क्या राय रखेंगे आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे? मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। फ्रेश बनाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जिनके पास है उनको होल्ड ऑन करना चाहिए क्योंकि इन लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा फ्रेश निवेशक के लिए, पर जिनके पास है उनको बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 960 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं 4-डिजिट फिगर समझता हूँ अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए। किरण जी, कोई आपका पसंदीदा पीएसयू स्टॉक, चाहे वो बैंकिंग स्पेस में हो या उसके अलायदा हो, लॉन्ग साइड पे बेस्ड ऑन रोल ओवर डेटा आप क्या पसंद करेंगे? और जी पहले आप बताइए। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम और हिंद जिंक दोनों भी अच्छे हैं, पर आज बहुत अच्छे वॉल्यूम से ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली हावी नजर आ रही है, पर मेरा मानना है कि हिंद जिंक नीचे से वापस एक बार यूटर्न लेता नजर आएगा, अच्छे सपोर्ट्स पे है। मुझे नहीं लगता 212 के नीचे जाएगा, अभी 215 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर बाय करने की सलाह होगी। 212 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना, और अगर आप एक हफ्ते का वक्त देते हैं तो ये स्टॉक करीबन 228-230 के लेवल्स टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, किरण आपको जोड़ना चाहते हैं इसी पे?
देखिए, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करना चाहूंगा। मेरा बेटा 19 साल का है और वो एक साल हो गया अभी जिम जाना चालू कर दिया है। तो उधर जाता है तो वो सब कम्युनिटी वो विंकीज के अंडे ही खाना पसंद करता है, और जैसे ठंड चालू हो जाएगी, अभी रेनी सीजन से लेके ठंड चालू हो जाएगी, तो उसका कंजम्पशन बढ़ता नजर आएगा। विंकीज का एक स्पेशल अंडा है जो हमारे घर में हर रोज आता है, वो प्लस प्लस लिखा हुआ है, डबल प्रोटीन प्लस है, तो उसका रेट नॉर्मल अंडे से दुगना है। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत बढ़ता नजर आता है। तो ये मेरा मानना है कि अगर यंग जनरेशन अभी जो अंडा खाती है वो बहुत सोच समझ के कौन सा अंडा खाना है, जैसे आपने अभी बैक्टीरिया फ्री की बात की, तो वो जो है वो वैल्यू एड देती है, और जिस तरीके से इसका कंजम्पशन बढ़ता नजर आ रहा है, और आजकल वो अंडा वेज भी बोलते हैं, तो वेज वाले लोग भी अभी अंडा खाना चालू कर दिया है, तो इसके चलते मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। हम और एक डिस्क्लेमर, हमने हमारे पोर्टफोलियोज में लिए हुए हैं और हमने एडवाइस भी किए वेंकीज लेने की, मेरा एक साल का नजरिया है वो है 2000 के ऊपर का टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, तो ये एग्रेसिवली होके बाय करना चाहिए। किरण जी, आपकी कुछ राय बाटा के ऑप्शंस पर? नहीं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वो देखना पड़ता है, और उसके साथ अगर महंगा भी है तो भी ट्रेड कर सकते हैं कवर्ड कॉल लेके, तो वो महंगा क्या सस्ता सस्ता कैसा करना है वो एक स्ट्रेटेजी होती है, वो बहुत यानी वो कॉमन इन्वेस्टर के लिए नहीं होती है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए होती है, तो इधर मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स इश्यू डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात होगी सर। चलिए जी, इसमें कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है और ना ही स्टॉक पर दिख रही है, ऑल टाइम लो आपके सामने ऑलरेडी है, किस हिसाब से आप इसको ट्रेड करना चाहेंगे बचे हुए सितंबर के लिए? नहीं, ये बहुत निराशाजनक काउंटर है, एक अच्छी बाउंस हमने देखी थी, मुझे लग रहा था कि ये 200-208 तक जाएगा, पर इसने उसके पहले ही यू टर्न ले लिया है, तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस करीबन 190 से लेके 195 तक है, तो मुझे नहीं लगता ऑन द हायर साइड कुछ मूव आएगी, बल्कि अभी मेरा ये मानना है कि अभी शॉर्ट करके चलना चाहिए, 186 कैश लेवल्स पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 182 पे ट्रेड कर रहा है, और ये रीसेंट लोज है वो टूटते हुए देखने को मिल जाने चाहिए। किरण जी, एक आपका फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, फिलहाल तो दिन के उच्चतम स्तर पर चल रहा है लगभग 456.60, और अच्छी बात यह है कि इसने एक अच्छा रिकवरी दिया है 435 रुपए से, काफी सारे और भी इसमें टेक्निकल पैरामीटर्स एक लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अभी थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि इसने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का वायोलेशन दिया था, पर इसने एक अच्छी बात की, जो पिछला स्विंग बॉटम था वो तोड़ा नहीं, तो मेरा मानना है कि 2 दिन देने चाहिए, देखना चाहिए कि 430 के लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, अगर ये कंसिस्टेंटली 2 दिन 430 के लेवल्स रिस्पेक्ट करके 465 के लेवल्स वॉयलेट करता है ऑन द हायर साइड, तो मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए, जो कि ये स्टॉक को करीबन 490-495 तक ले जा सकती है। ओके, किरण, आप इसी पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, एक दूसरा काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, फरमाइए, आपके लिए तैयार रख रखा है मैंने किरण जी, आप सिर्फ नाम लीजिए। उज्जीवन बाय करके चलना चाहिए, ये एक काउंटर है जहां से हमने देखा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बहुत बड़ा है, 2.5 महीने का ब्रेकआउट है, तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 293 है, और मेरा मानना है कि ये अगले हफ्ते हमें करीबन 325 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, तो 300 नहीं है, 325 के लेवल्स की बात कर रहा हूं, ये अगले हफ्ते आपको ट्रिगर होते देखने को मिल जाने चाहिए। किरण जी, REC बहुत बढ़िया फ्यूचर्स में ट्रेड करता है ऑन द लॉन्ग साइड, पावर सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छा मूवमेंट देखा, क्या राय रख रहे हैं आप REC पर? REC एक रेंज में है, और रेंज में अंडर करंट है, पर फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं होगी, तो इधर एक न्यूट्रल है विद अ स्लाइट पॉजिटिव बायस, मेरा मानना है कि ये इसको 149-150 लेवल से एक बार क्रॉस करने दे, फिर जो उज्जीवन में जो स्ट्रेंथ देखने को मिली, ऐसी स्ट्रेंथ आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, और फिर टारगेट्स भी बड़े होंगे, अगर अभी बाय करते हैं तो मेरा टारगेट सिर्फ 148-149 का रहेगा, तो इधर से बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है, और फिर रिस्क भी काफी है,
क्योंकि इधर स्टॉप लॉस करीबन 137 है, तो अगर ये स्टॉक 150 के ऊपर चलता है तो एक प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। टारगेट 164-165 रहेगा और स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपए नीचे 146-147 के रहेंगे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, 150 क्रॉस करने का राह देखनी चाहिए। एक बार वो हो जाए तो एक बार हम रिकमेंडेशन देंगे। किस हिसाब से आप किरण जी इसको ट्रेड करेंगे? देखिए, काफी शॉर्ट पोजीशंस इस स्टॉक में बन चुके हैं और मेरा मानना है कि इधर एक पोजिशनल व्यू लेना चाहिए थोड़ा सा 15 दिन का, और आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 1325 का। और इधर से मैं मानता हूं कि अगर 15 दिन की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टारगेट्स ऑफ 1485 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 1:2.5 का बैठ रहा है, पर इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए क्योंकि बहुत शॉर्ट पोजीशंस इस स्टॉक में पकड़े हुए हैं। जी, पूरा मेटल स्पेस इस वक्त बहुत जबरदस्त हरे निशान से भरा हुआ है। एक स्टॉक के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाए किरण जी, नालको देखिए, बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट, करीब 30% ऊपर, स्टॉक पर 2.5% का इजाफा। किस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे 41.40 रुपए पर? इसने तो दिन का पूरा मिड नून का जो फॉल था उसने पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया है। तो मेरा मानना है कि इधर से ये स्टॉक काफी बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 40 रुपए यानी 1.5 रुपए नीचे होना चाहिए और आपको अगले शुक्रवार के ट्रेड के लिए तैयारी करनी चाहिए और वो टारगेट्स रहेंगे 44 से लेके 45। तो इधर से काफी बड़ी अपसाइड इन परसेंटेज टर्म्स देखने को मिल जानी चाहिए। बताइए किरण, आप कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? See, बहुत परेशान जिसने किया है और अगर ये ट्रेंड रिवर्सल दे रहा है तो वही स्टॉक मैंने चुना है, सन फार्मा। सन फार्मा मेरा मानना है कि इसके वर्स्ट इज ओवर। जिस तरीके से इसने एक बहुत बड़ी हमने गिरावट देखी है, 1120 से लेके हमने करीबन 400 के लेवल, सब 400 लेवल टेस्ट किए और उधर एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर सन फार्मा, ऐसे ही चार्ट पैटर्न कहता है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी के लिए 437 का होना चाहिए, 448 यानी 10 रुपए का, 11 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर आप एक हफ्ते की बात कर रहे हो तो करीबन 470-473 के देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर आप एक महीने डेढ़ महीने की बात करते हो तो करीबन 530, और अगर आप एक साल का नजरिया लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये 600 के लेवल टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए। तो ये काफी बड़ा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, उसका नतीजा आपको देखने को मिल जाने चाहिए आते दिनों में। तो जी, निफ्टी पर नजर डालिए, इंट्राडे लो 10,880 और आपके सामने 11,021, क्या राय रखते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक बॉटम बनता नजर आ रहा है, काफी नेगेटिव जो कुछ न्यूज है वो फैक्टर्ड इन है, और जो मैंने 11,150 की लेवल कही ये एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा। मेरा मानना है कि ये सीरीज में ये क्रॉस करना चाहिए, पहले 2-3 सत्र में भी ये क्रॉस करता है अगले हफ्ते, तो मेरा मानना है कि एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जानी चाहिए। आज भी देखो कि फर्स्ट हाफ में हमने एक बड़ी क्रैक देखी तो वीकेंड के बारे में सब बात कर रहे थे, लॉन्ग वीकेंड के बारे में, और शॉर्ट पोजीशंस ऐड होते नजर आ रहे हैं, पर फिर भी ये एक यूटर्न दिलाता नजर आ रहा है। ये एक स्ट्रेंथ वाली बात है और बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस अभी भी सिस्टम में ट्रैप्ड है। तो 11,100 या 11,200 कौन सा कॉल लेके जाएंगे किरण? लेना है तो 11,100 ही लेना चाहिए। 11,200 का प्रॉब्लम यह है कि बहुत आउट ऑफ द मनी है और फिर उधर तक जाते जाते प्रीमियम उतने बढ़ते नजर नहीं आएंगे। तो मेरा मानना है 11,100 का कॉल लेना है तो बहुत बहुत बेहतरीन होगा, इधर कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा है, तो मेरा मानना है कि यही कॉल लेके चलना चाहिए और 11,150 का रहा देखना चाहिए। इसके ऊपर जाते ही वो कवर नहीं करना चाहिए, उसको राइड करना चाहिए, तो काफी शॉर्ट टर्म में आपको 11,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए, कोई ऐसा सौदा लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे जो आपने अलायदा बताए हैं उनके आप ले जाना चाहेंगे मंगल के लिए? देखिए, वोल्टास एक काउंटर है जहां पे एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो मुझे वोल्टास एक पसंदीदा काउंटर देखने को मिल रहा है। अभी आखिरी के 15 मिनट में इसमें एक नई जान आती हुई नजर आ रही है, तो मेरा मानना है कि ये 650-655 के टारगेट्स आपको मंगलवार को देखने को मिल जाने चाहिए और इस ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा 638 का। आपको जोड़ना चाहते हैं किरण?
बिल्कुल, आज जो एक मेन कंटेंडर है जो निफ्टी को ऊपर लेके आया है वो रिलायंस है, और आज मैं सवेरे इसकी इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के नजदीक था, इसलिए इस पे नजर डाले बैठा था। लेवल था 1225, ये गैप वाली लेवल है। अगर हमने इस लेवल को वॉयलेट भी किया था, पर वो बहुत थोड़े वक्त के लिए किया था और वापस एक बार उसके ऊपर आ गए, तो यही एक एक आशिका किरण देखने को मिल रहा है कि ये लेवल वॉयलेट नहीं हुई और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये वापस रिलायंस कंफर्टेबल जोन पे 1250 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होती रिलायंस की, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा नेगेटिव पैटर्न आपको देखने को मिल जाना चाहिए इंडेक्स में। तो इस पे ध्यान देना चाहिए 1225 लेवल्स पे, और जब तक इसके ऊपर है मेरा मानना है कि वापस ये 1300 की ओर चलता नजर आएगा, और 1305 का ब्रेकआउट आएगा तो रिलायंस एक नए दौर पे चलेगा और वो लीडर रहेगा निफ्टी को ऊपर ले जाने में। आप जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए, कल पार्थिव मेरे ख्याल से जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था लंबे निवेश के नजरिए से, लेकिन देखिए कल और आज में ही, कल हमारे बात करते करते करीब 2% चला था, 4% और, क्या टारगेट देखते हैं आप? मैं मानता हूं कि ये टारगेट्स 640 के देखने को मिल जाने चाहिए अगले हफ्ते, और उधर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी क्योंकि हमने 530 से रैली देखना चालू कर दिया है स्टॉक में।